तो ठीक हो गई और इन आंखों से सब कुछ दिखाई देने लगा, सही सही दिखाई देने लगा। लेकिन अगर इन आंखों को ही देखना हो, जिन आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए, जिन नेत्रों से सब कुछ दिखाई देता है पर उन नेत्रों से वे नेत्र नहीं दिखाई देते, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसके द्वारा वही नहीं जाना जाता जिसके द्वारा सब जाना जाता है। तब तो अगर अपना चेहरा ही देखना हो, आंख देखनी हो, तब तो दर्पण की जरूरत पड़ेगी। आंख ठीक हो और दर्पण न हो तो अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि दर्पण को भी ठीक कर ले। और दर्पण क्या है? बोले ये मन ही दर्पण है। और इसको साफ कैसे करें? बोले गुरुदेव की चरण धूल जब आंख में लगाई तो अंजन का काम करने लगी, और गुरुदेव की चरण धूल जब मन के दर्पण पर लगाई तो उस धूल ने मांज कर मन के दर्पण को साफ कर दिया। निज मन मुकुर सुधारे, और जब मन पवित्र हो गया और दृष्टि साफ सुथरी हो गई तो जो पाना था वह प्राप्त कर लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चारे। अच्छा तुलसीदास जी महाराज, इस अयोध्या कांड में आपने फिर गुरुदेव की वंदना क्यों की? तुलसीदास जी बोले देखो सुनो, गुरुदेव के बिना भगवान नहीं मिलते, और इस अयोध्या कांड में मुख्य रूप से हमारे गुरुदेव का ही चरित्र है। आपके गुरुदेव कौन? अयोध्या कांड के समापन में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। वे कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनन भरत को, सिय राम प्रेम पीयूष छंद की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कलिकाल तुलसी से सठनी हटे राम सन मुख करत को सीता। श्री भरत जी न होते तो हमें राम जी से कौन मिलाता? भरत जी मानो तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं। अच्छा तो भरत जी ने कैसे मिलाया? तुलसीदास जी बोले हम तो निराश हो गए थे, पर बात बनी कैसे? बड़ा बढ़िया इशारा है। तुलसीदास जी बोले हम भगवान के दर्शन के लिए गए तो पता लगा कि भगवान भीतर भवन में बैठे हैं, तीन दरवाजे पार कर दे बस। तुलसीदास जी बोले मैंने देखा कि पहले दरवाजे पर बड़ी भीड़ थी। क्यों? वहां एक साइन बोर्ड था, उस पर लिखा था मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। ऐसी फलश्रुति भगवत दर्शन की तो भीड़ लग गई। तुलसीदास जी कहते किसी तरह भीड़ में पिछते हुए भीतर गए, लेकिन दूसरे दरवाजे पर और ज्यादा भीड़ थी। वहां लिखा था सन्मुख होए जियो मोहि जबहीं जन्म कोटि अगनासों तबहीं। किसी तरह भीड़ में कुचलते हुए वह दरवाजा भी पार किया, लेकिन आश्चर्य तीसरे दरवाजे पर भीड़ ही नहीं थी। तो हमने देखा इस दरवाजे पर भीड़ क्यों नहीं? एक ने ऊपर देखो, किसी ने कहा ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो उस दरवाजे के ऊपर जो साइन बोर्ड था उसमें लिखा था शर्त निर्मल मन जन सो मोहि पापा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पापा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि हम निराश हो गए कि भगवान तो निर्मल मन वालों को मिलते हैं, महात्माओं को मिलते हैं, लौट आए। लेकिन जैसे ही हम निराश होकर लौटे, निराशा के अंधकार में गुरुदेव ने आशा का दीप जला दिया। गुरुदेव कौन? श्री भरत जी रास्ते में मिले। तुलसीदास जी क्या बात है, उदास क्यों, कहां गए थे? तुलसीदास जी कहते मैंने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा जी भगवान के दर्शन के लिए गया था। तो दर्शन हुआ नहीं, क्यों? उन्होंने तो शर्त लिख रखी है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। भरत जी ने सिर पर हाथ रखा, बोले बाबा उदास मत हो। बोले लिख शर्त तो यही, बोले बिल्कुल ठीक है, राम जी के राज्य दरबार की मर्यादा के अनुरूप वो शर्त है। राम जी का प्रभाव तो ऐसा ही है कि निर्मल मन वाला ही उन्हें प्राप्त कर सकता है, लेकिन तुम निराश मत हो। कहा क्यों? बोले राजाओं के राजकाज है साइन बोर्ड मध्य को जाना, यहाँ लिखा कुछ और होता है, भीतरी पोल कुछ और होती, मैं बताऊं? भरत जी बोले मैं बता रहा हूं भीतरी पोल क्या है। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए, बोले मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी रूपे कोह न काऊ। तो छोटे मोटे अपराधी पर नाराज नहीं होते होंगे? नहीं नहीं, कूर कुटिल खलकुमति कलंकी, नीच निरीश निशील निसंकी, क्यों सुनी शरण सामू है आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तुलसीदास जी कहते जब भरत जी ने भरोसा दिलाया तब मैं राम जी तक पहुंचा, तो अगर भरत जी न होते तो कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सनमुख करत को। इसीलिए प्रारंभ में मानो अपने गुरुदेव नरहरिदास जी के चरणों की वंदना है, और अयोध्या कांड में तो भरत जी के रूप में गुरु जी की वंदना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, और एक गुरुदेव और है तुलसीदास जी के, जय 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 हनुमान।